श्री अरविंद का योग इस विषय पर मातृभवन कटक से उनके एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए विषय है चुना गया है एक दृष्टि से अगर हम देखें तो श्री अरविंद का योग इतना विशाल है इतना विशाल है कि उसको किसी एक मानसिक एक मेंटल सिस्टम में नहीं बांध सकते हैं ये इस योग की कोई एक टेक्निक एक मेथोडोलॉजी एक प्रक्रिया नहीं है <coughs> श्री का एक फेमस पत्र है जिसमें वो कहते हैं देर इज नो मेथड इन दिस एक्सेप्ट टू टेक द मदर्स नेम एंड माइंड टू ओपन टू हर इन्फ्लुएंस अब ओपन टू तो हर इन्फ्लुएंस तो एक तो ये कि इसकी बहुत विशाल भूमि है क्योंकि इस योग में जो कार्यरत शक्ति है जिनके कारण ये योग संभव हो पाता है वो डिवाइन मदर की शक्ति है एंड शी इज़ द इनफिनिट शक्ति और चूंकि वो अनंत हैं इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है इस योग में और चूंकि वो अनंत हैं अनंत ज्ञान अनंत प्रेम अनंत शक्ति से परिपूर्ण हैं इसलिए उनके उनकी जो कार्य प्रणाली है वो कोई एक तरीके से कार्य नहीं करती है वो हर व्यक्ति में भिन्न तरीके से कार्य करती है जो उस व्यक्ति की विकास के लिए उसके पास्ट से जो उसकी तैयारी है उसकी प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भविष्य जैसा बनना है उसको जो वो जानती हैं हम लोग नहीं जानते उसके अनुसार वो कार्य करती हैं तो वो अनंत शक्ति अनंत प्रक्रिया से अनंत प्रकार से कार्य करती हैं कई बार वे चीज़ें शेरविंद ये कहते हैं कि वे चीज़ें जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान इस तरह से काम करेंगे लेकिन भगवान काम करते हैं तो इस योग को किसी एक सिस्टम में नहीं बांध सकते दूसरा कारण ये है कि इस योग का लक्ष्य है दिव्य परिपूर्णता मानव परिपूर्णता के दो रूप होते हैं एक होता है एथिकल एंड मॉरल परफेक्शन दूसरा होता है रिलीजियस परफेक्शन एथिकल एंड मॉरल परफेक्शन होता है कि एक नैतिक नियमों के अनुसार जीवन जीना एक सेंटलीनेस होलीनेस इत्यादि इत्यादि तो उसके हम लोग सब जानते हैं बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं इसके बारे में एक होता है रिलीजियस परफेक्शन रिलीजियस परफेक्शन होता है कि किसी भी धर्म में उसके अनुसार जो लिखा गया है उसके अनुसार आचरण करना व्यवहार करना चलना और साथ में अंदर में उन भावों को जागृत करना रिलीजियस पाइटी काइंडनेस ये एक इनर शिफ्ट होता है रिलीजियस परफेक्शन में एथिकल और मॉरल परफेक्शन प्रधानता बाहरी कर्मों में आचरण में व्यवहार का परफेक्शन है रिलीजियस परफेक्शन हमारे अंदर में चेतना के अंदर उन रिलीजियस भावों को जगाना और उनके अनुसार जीवन को जीना जैसे दया इत्यादि करुणा इत्यादि अब लेकिन शेरविंद इन दोनों के परे बात कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं डिवाइन परफेक्शन अब डिवाइन परफेक्शन का अर्थ है कि हर हिस्से को अपनी दिव्यता को प्राप्त करना है पहली चीज़ ये है कि मन को मन की दिव्यता क्या है सुपरमेंटल नोसिस जिसकी बात करते कि उसमें स्वतः स्फूर्थ समग्र ज्ञान का उद्घाटन केवल सेल्फ रियलाइजेशन भगवान के बारे में हम लोगों ने कुछ अनुभव द्वारा जान लिया तादात हो गया इतना काफ़ी नहीं हर चीज के अंदर वही समग्र ज्ञान मन के अंदर उसी तरह हृदय के अंदर एक समग्र केवल विश्व प्रेम नहीं दिव्य प्रेम तो दिव्य प्रेम अलग होता है विश्व प्रेम से यूनिवर्सल लव तो एक वास्ट प्रेम है जो सबको बंधुत्व में जोड़ता है लेकिन दिव्य प्रेम एक प्रकार से हर हर वस्तु व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से स्वयं को उद्घाटित करता है और उसी प्रकार से प्राण के अंदर एक दिव्य शक्ति दिव्य ऊर्जा शरीर के अंदर एक दिव्य सौंदर्य टोटल परफेक्शन में शरीर भी इंक्लूडेड है और इन सब को एक साथ तादात में सामंजस्य से <laughs> जोड़ना मिलाना हार्मोनाइज़ करना मनुष्य की कल्पना के परे है डिब्य परफेक्शन डिवाइन परफेक्शन डिवाइन परफेक्शन केवल कुछ वर्चूज़ का उच्चतम उसमें ले जाना नहीं है कि बहुत एक अच्छा व्यक्ति है नहीं डिवाइन परफेक्शन है जो गुड और ईविल दोनों को ट्रांसमिट करता है जिसको हम अच्छा समझते हैं वो भी सीमित है जिसको हम बुरा समझते हैं वो भी सीमित है जिसको हम अच्छा समझते हैं उसको अपनी दिव्यता तक ले जाना है जो मानव गुण है अच्छा है दया होना अच्छी बात है लेकिन दया का एक डिवाइन स्वरूप है जो हम लोग नहीं समझ पाते श्री कृष्ण जब अर्जुन का को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और दुर्योधन का संहार करते हैं तो अगर डिवाइन की दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे बहुत बड़ी करुणा है ये क्योंकि अगर ये शरीर में और रहता तो ना जाने कितने सारे पाप पंख में लौटता रहता मैंने इसका उद्धार किया एक उदाहरण दे रहे हैं उसी तरह से जिसको हम ईविल कहते हैं उसका भी एक डिवाइन इक्वैलेट है अब इसका भी हम एक उदाहरण ले लें कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बल होता है किसी प्रकार की शक्ति होती है शक्ति का जब वो अपव्यय करते हैं स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं तो वो ईविल है ईविल क्या है जो चीज़ अपनी जगह नहीं है उसका दुरुपयोग हो रहा है किंतु वो शक्ति है जब उसी को हम संवरण करते हैं उसको अपने उच्चतम आ, संभावना की ओर ले जाते हैं जब वो चेंज हो जाती है तो वो सुप्रीम गुड बन जाती है तो इस प्रकार से ये योग बहुत विशाल भूमि पर विचरण करता है तो फिर इस योग को कैसे किया जाए डिवाइन परफेक्शन का जो गोल है बहुत संक्षेप में हम लोग नंबरों के द्वारा समझ लेंगे शून्य से प्रारंभ होती यात्रा योग की यात्रा उस शून्य से प्रारंभ होती है जहाँ हम ये समझ जाते हैं कि मनुष्य ने जो कुछ भी जाना है या जान सकता है या कर सकता है मनुष्य की परिधि में वो सीमित है जब ये ज्ञान आ जाता है अच्छी तरह ये ज्ञान अंदर का अंतर्भाष है कोई भी व्यक्ति सब चीज़ें करके नहीं जानता वो एक बार समझ आ जाती माँ कहती द स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट द माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड और जज स्पिरिचुअल थिंग्स तब वास्तव में हमारे अंदर एक दो प्रकार की प्यास जगती एक है कि ये तो मानव जीवन सीमित है इसको त्याग करके कहीं और चला जाए तो वो थी मोक्ष का रास्ता और दूसरा है कि मानव जीवन सीमित है लेकिन ईश्वर असीम है अनंत हैं और उनके स्पर्श से ये मानव जीवन असीम अनंत हो सकता है तो ये है दूसरा रूपांतरण का या का रास्ता तो यहाँ शून्य से प्रारंभ होती यात्रा माता जी बताती हैं कैसे कि जब वो शेयरविंद के सामने पहली बार आती हैं तो कैसे वो सब कुछ अपना छोड़ देती हैं त्याग देती हैं ये कैपेसिटी इस योग में बड़ी गुणकारी उपयोगी होती है किसी भी चीज़ को उच्चतम अनुभव को भी पकड़ करके नहीं बैठना है पकड़ता कौन है अहंकार कि ये मेरा है कुछ नहीं होता है मेरा ये बहुत ठोकर खा के मनुष्य समझता है कि अपना तो श्वास भी नहीं होता <laughs> अपना तो हृदय की गति भी नहीं होती शरीर तो बहुत दूर की बात है लेकिन अगर मेरा कुछ नहीं है तो क्या मैं इसको जैसे चाहे चलने दूँ नहीं इस ये सब कुछ जो मेरा नहीं है लेकिन मुझे दिया गया है किस मुझे अहंकार को नहीं चैत्य सत्ता को जो इसका सच्चा स्वामी उसको दिया गया है तो अब इसको मुझे भगवान के यंत्र के रूप में उनके चैनल के रूप में प्रस्तुत करना है और जैसे जैसे उनकी शक्ति कार्य करेगी ये वैसे वैसे सुंदर होता जाएगा और उनके अनुरूप बनता जाएगा तो ये इसका जो मूल उद्देश्य है ये है इसके पीछे जो मेन लॉजिक काम करती डिवाइन लॉजिक तो अब इन चीज़ों को जब ये सम, पता चल जाता है कि कुछ भी मेरा नहीं है मैं कुछ नहीं जानता ये बहुत सुंदर स्टेट होती है वरना हम लोग अनकॉन्शियसली बहुत सारे आइडियाज़ को परसेप्शंस को आ, मानव जीवन के बारे में आध्यात्मिक जीवन के बारे में ये हम लोग बांधे रहते हैं हमको पता नहीं चलता इसीलिए शेरविंद को पढ़ते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि क्या कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस हम ये कहते रहते हैं अच्छा करना क्या है करना क्या है करना क्या है पूरी किताब में लिखा है करना क्या है लेकिन हमको नहीं समझ आता क्योंकि करने से हम समझते ऐसे बैठो ऐसे ध्यान करो तो वह करना है अपने अंदर अपनी मनोवृत्तियों को शिफ्ट करना हमको लगता है करना ही नहीं है लेकिन करना तो वही है असल चीज तो ये प्री कंसीव नोशंस होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के जैसे सुबह सुबह उठ गए चार बजे बहुत से लोगों को इसका अहंकार होता है हम चार बजे सुबह उठते हैं इसका हो जाता है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं इसका हो जाता है कि हम पचास वर्षों से आश्रम के अंदर हैं कि कोई भी ये अहंकार कहीं भी पकड़ सकता है माता जी उसकी जगह कहती है वाइडनेस एंड प्लास्टिसिटी ये किसी भी बाहरी यहाँ तक वो कहती हैं कि कई चीज़ें जो मनुष्य बहुत इंपॉर्टेंट समझता है उसका सुपरमेंटल से कोई लेना देना नहीं है और उसमें से एक चीज़ कहती है एसेटिक आइडिया ऑफ प्योरिटी एसेटिक आइडिया ऑफ प्योरिटी हम इसको नहीं छुएंगे हम एक रंग का कपड़ा पहनेंगे हम तो केवल ये खाएंगे हम वो नहीं खाएंगे इसको नहीं छुएंगे वेगन बन जाएंगे इत्यादि इत्यादि तो वो हम समझते हैं कि वो प्योरिटी है ये प्योरिटी नहीं है प्योरिटी इज़ एक्सक्लूसिव ओपनिंग टू द डिवाइन तो ये जो हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं वो उनको हम उनकी जगह हम तैयार होते हैं कि जो आप कहोगे वही सच है हाँ हो सकता है कि हम इसको ना कर पाए क्योंकि देखना और चलने में अंतर होता है तो हमको ये रिकोगनाइज करना है कि हमारी विल अभी सिंसियर नहीं है और एस्पायर करना है सिंसियरिटी के लिए लंबा रास्ता है कुछ चीज़ों पे बिल आसानी से कार्य करती हैं कुछ चीज़ों पे कठिनाई से कार्य करती है माता जी कहती है कि रिकेल्सी एलिमेंट है हमारे अंदर जो सुनते ही नहीं है तो उनके लिए कैसे करना है माँ कहती है तो मैं उनको समझाना है जैसे छोटे बच्चों को बार बार समझाना है और सहायता लेनी है भगवान की दस हज़ार बार समझाना हो दस हज़ार बार समझाना है ना तो हार माननी है कि अब तो ये मेरे से होगा नहीं मैं अनफिट हूँ इत्यादि इत्यादि ना गिल्ट में रोल करना है ना भगवान के सामने लज्जित होकर के खड़े रहना है तो ये सब नहीं करना है प्रयासरत रहना है मुख्य चीज है प्रयासरत रहना जितनी बार गिरे उठे और चलने लगे चलना है चाहे वो एक इंच चल नहीं पाओ तो संकल्प रखना है कि उठूँगा और चलूंगा ये सारी चीजें इस योग में सही होगी हैं तो ये इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है डिवाइन परफेक्शन की ओर मूवमेंट का अब आया एक ये हुई शून्य एक क्या है इस योग में एक कुंजी अगर पूछा जाए तो वह है डिवाइन मदर ये योग बिना माँ के नहीं किया जा सकता है इस सब किताबें पढ़ के या मेथड एक्सट्रैक्ट कर लें कई लोग इस तरह से करते हैं शीर्विंद के योग में क्या क्या साधना के लिए उपयोगी तत्व है ऐसे बहुत कुछ है साधना के लिए इवन जीवन के लिए कैसे सोएं कैसे भोजन करें कैसे हम बैठें कैसे उठें कैसे, उठें, कैसे बात व्यवहार करें कैसे हम बातचीत करें मन के अंदर कैसे भाव लाएं सब कुछ है लेकिन ये सब कुछ करके भी यदि माँ की ओर नहीं खुले तो इस योग का प्रथम चरण नहीं हुआ है वो सब करने से जीवन अच्छा बनेगा इसमें कोई दो राय नहीं है ध्यान करना अच्छा होता है लेकिन यदि हम माँ के प्रति नहीं खुले तो इस योग का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है माता जी से जब किसी ने कहा पूछा इस योग में इनिशिएशन किसको कहते हैं इनिशिएशन एक योग की हो कि भाई आज से तुम दीक्षित हो गए इस योग में माता जी कहती हैं इनिशिएशन इस योग में उसका अर्थ है कि मैं स्वयं को उसको रिवील कर देती हूँ वो जान जाता है बिना कुछ समझाए बिना किसी लॉजिक के कि ये डिवाइन मदर है ये एक आंतरिक उद्घाटन है और उसके बाद माँ का आँचल पकड़ लो पल्लू पकड़ लो उंगली पकड़ लो और कुछ पकड़ा नहीं जा रहा है तो माँ को बोलो मैं ही मुझे पकड़ लो मैं तो नहीं उठ पा रहा हूँ आप ही पकड़ लो वो तो बहुत उत्तम है इस प्रकार से हाथ पकड़ लो उनका गोद में आ जाओ पर माँ को केंद्र में रख के ये एक पहला प्रथम और एक तरह से कहा जाए अंतिम तक ये मूल मंत्र है सरेंडर टू द डिवाइन एंड इनफाइनाइट मदर एक दूसरा नंबर टू नंबर टू है ईगो को विस्थापित करना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इस योग का जितने भी अगर आप देखें क्वालिटीज इत्यादि समता का अभ्यास ये सब अहंकार को हटाने के लिए समता एक बड़ा सुंदर एक प्रैक्टिस है जिससे हम अपने ईगो को हटाते हैं प्लेजेंट कोई चीज़ या अनप्लेजेंट है तो उसमें कौन सी चीज़ ईगो कहती है मुझे तो ये चाहिए प्रेफरेंसेस हर चीज़ में हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं माता जी कहती हैं कर्मयोग का बड़ा सुंदर उन्होंने सिद्धांत बताया है to choose without प्रेफरेंस एंड execute without डिज़ायर जो भी काम मिलेगा मैं उसको सेवा की तरह करूँगा मनुष्य की दृष्टि में बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है किंतु मैं उसको करूँगा सेवा के रूप में तो इस तरह से पूरा जीवन धीरे धीरे सेवा बनता जाता है और ये बाहर देखने की चीज़ नहीं है बाहर से हम क्या समझते सेवा कि हमने भगवान के वहाँ पर जाकर बाहर से कोई चीज़ साफ कर दी या काउंटर पर खड़े होकर अब डाइनिंग रूम है हम भोजन दे रहे हैं लेकिन क्या पता वहाँ हमारे अंदर भाव हो रहा हो मैं भोजन दे रहा हूँ ऐसे सुना है मैंने कि हम दे रहे हैं आश्रम दे रहा है लोग दे रहे हैं ये सब मिथ्याभिमान है मेरा व्यक्तिगत इस चीज़ में अनुभव है कि केवल और केवल माँ दे रही है जिस दिन हमारे मन में ये भाव आएगा कि हम दे रहे हैं तो वहां पे हम बाहर से हम दे रहे हैं लेकिन हमारा अहंकार है माइक जी कहती है जब तुम भगवान को कुछ ऑफर करते हो और तुम्हें स्मरण है कि तुमने क्या ऑफ़र किया है तुम कुछ त्यागते हो और तुमको स्मरण है कि मैंने क्या त्याग किया है तो वो सब ज़ीरो हो जाता है सब कर रहे हैं भगवान का छः घंटे लेकिन हमारे अंदर अगर ये अहंकार आ जाए हमारे अंदर अगर ऐसा भाव आ जाए कि आई एम द डूअर तो वो चीज़ स्टार्टिंग नहीं है तो जो नंबर टू है तो एक जो ईगो से शुरू होता है दूसरा भगवान पे तो ये ट्रांसफर करते जाना है आएगा ईगो के स्थूल रूप को हटाना बड़ा सरल होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए देख पाता है लेकिन ईगो का सूक्ष्म रूप बड़ा भयानक होता है वो सब कुछ कर रहा है अंदर सोच रहा है मैं साधक हूं मैं योगी हूं ये साधारण लोग जो आ रहे हैं ना ये बाहर से ये विजिटर मैं इनसे सुपीरियर हूं कहता नहीं व्यक्ति कहने से समस्या होगी ये तो बाहर लोग आ रहे हैं साधना तो हम कर रहे हैं जो आश्रम में है माता जी ने बार बार संकेत किया ये एलिट एटीट्यूड <laughs> कौन जाने कल कौन कहाँ होगा और अंदर से कौन जाने की कौन कहाँ है आज ही बात हो रही थी किसी से कि कहीं पर हैं वो बाहर हैं उन्होंने कहा कि मैं आ, कैसे अपनी अभिपसा को और बढ़ाऊं तो मैंने कहा आप बाहर हैं ना तो आपको अभिपसा बढ़ाने की चिंता नहीं करनी है अभीपसा बढ़ाने की चिंता जो यहाँ है उनको करनी है क्योंकि बाहर तो ऑटोमेटिकली अभी होती है आदमी चारों तरफ से मारा जाता है देखता असुर राज में है तो विभीषण राम 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 करके और जिएगा कैसे जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है क्योंकि वो तो दूसरा रास्ता पकड़ नहीं सकता जब यहाँ आ गए भगवान का राज्य है तो अब तो हम बस सीधा हर वानर को लगता है कि वो तो बस राम जी का परम विशेष है विभीषण को मार भगाओ यहाँ से क्योंकि असुर है तो ये समस्या होती तो वो जगह जगह पर सूक्ष्म रूप आते हैं अहंकार के मेरा अनुभव मेरी ये सब चीजों को देते जाना है हटाने का मेन सिंपल तरीका है माँ कहती रिमेंबर एंड ऑफर ये दो चीजें याद रख स्मरण करो किसका माँ का और उनको देते जाओ हर चीज इसमें कोई बड़ा अच्छा बुरा बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है सब कुछ माँ कहती कई बार जब हमारे अंदर ये भाव रहता है कि ये चीज बुरी है इट प्रिवेंट सॉफरिंग क्यों क्योंकि क्यों हम बुरी चीज को तो छिपा के रखते हैं बुरी चीज हमारे बैक यार्ड में <laughs> माँ वहीं पहुंचेगी खोल के दिखाएंगी अरे तेरे पास ये भी है हाँ माँ क्या करो अच्छा माँ तुम ले लो इसको माँ पूछेंगी ले लो कि रूपांतरित करो माँ जो आप उचित समझो बदल सकते हो तो बदल दो बदल सकते हो नहीं बदल ही दो माँ आपके अनुरूप बने क्योंकि हर गति प्रकृति की भगवान से, की ट्रुथ से डिराइव होती है तो वो बदलती रिमेंबर एंड ऑफर जीवन के समर संग्राम में जहाँ भी व्यक्ति है भगवान का उसको कैसे करते प्रारंभ में दिन को प्रातः स्मरण माँ ये दिन आपका सोते समय माँ ये दिन आपका ये रात आपकी भोजन करने के पहले माँ आपका किसी से मिलने के पहले आपका टॉक देने के पहले आपका सुनने के पहले आपका टॉक तो कोई दे रहा है समझू मैं वो जो आप समझाना चाहते हो उसी तरह से जितने भी कर्म हैं कुछ वजन उठाना है कुछ डाइनिंग रूम सब चीज़ में कोई पेशेंट को देखना है सब चीज़ में एक ये भाव मूल रूप से भाव होना चाहिए डिस्पेंसरी का तो पहले प्रारंभ में अंदर में ये बाहर से करने की क्रिया नहीं है पता नहीं कौन आएगा क्या आएगा जो भी करो आप मेरे अंदर से हीलिंग चीजों को आप ही करो हीलिंग तो इस तरह से धीरे 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 रिमेंबर एंड ऑफर करते 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 उस अवस्था को प्राप्त होना है जहाँ हम खुद को भूल जाए और माँ को याद रखें यह है ईगो का चेंज फिर आता है तीन नंबर तीन नंबर तीन नंबर ये हर आर की कली नहीं है बट जस्ट फॉर द जॉय ऑफ मैथमेटिक्स तीन है त्रिविध लेबर त्रिविध तपस्या नहीं ट्रिपल एफर्ट त्रिविध श्रम आश्रम है आश्रम में त्रिविध श्रम तो कौन से तीन से श्रम हैं जिसमें हर किसी को एंगेज होना है श्री अरविंद कहते हैं एस्पिरेशन रिजेक्शन सरेंडर अभिप्सा अभिप्सा का अर्थ है कि अगर कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो मैं इस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा हूँ नहीं आश्रम में क्यों आए हो अच्छा लगता है बहुत अच्छी जगह है नहीं क्यों आए हो क्यों योग को कर रहे हो यही योग क्यों बहुत सारे योग है संसार में यही योग क्यों अब वहां उस चीज का क्लैरिटी से उत्तर देना ये नहीं कि एक उत्तर होगा सबका अपना अपना होगा कोई कहेगा कि मुझे शेयरविंद माता जी से प्यार हो गया है अरे वाह तो जहां मेरे प्रियतम है वहां मैं हूं यह तो सबसे ऊंचा आंसर हो गया कोई कहेगा कि बहुत अच्छा लगता है ये साधना का रूपांतरण होगा इसमें मेरा भी हो जाए डेंजरस मेरा रूपांतरण हो जाए जैसे किसी सज्जन ने एक बार मैंने पूछा मेरे को आश्चर्य होता है कि कैसे आते हैं शुरू शुरू में जब मैं आया था स्टडी है अपने आप में एक मतलब <laughs> लेबोरेटरी है तो मैंने उस सज्जन से पूछा एकदम सफ़ेद कपड़ा पहनता था ऊपर नीचे लेकिन इतना क्रोध इतना भय न जाने क्या क्या भरा हुआ था शायद इसीलिए कई बार लोग छिपाने के लिए पहन लेते हैं ऐसे कि भाई अंदर नहीं देखे बाहर से लोग बड़े प्रसन्न हो जाए तो मैंने पूछा कि यहाँ पर क्यों आए इस योग की तरफ क्यों करना चाहे बोला हम मरेंगे नहीं मैं बोला किसने बोला बोला बोले श्री अरविंद हम मरेंगे नहीं यही है कि मुझे मैंने बोला क्यों मरना नहीं चाहते बोला बहुत डर लगता है हम मरना नहीं चाहते हैं तो डर लगता है हमको मृत्यु से तो यहीं पर इमोटेलिटी मिलेगी तो मैंने कहा ये तो कभी सोचा नहीं था ऐसे तो मैंने पूछा तुमको पता है कि मृत्यु से मृत्यु इमोटेलिटी का पहला कंडीशन क्या है क्या है मैंने कहा मृत्यु से भय नहीं खाना है प्रॉब्लम यही है बस बाकी सब ठीक है लेकिन मृत्यु से भयभीत हो गए तो, तो मृत्यु पास में आएगी इमोटैलिटी नहीं आएगी तो वो अपना वो जो, जो समझ आई नहीं समझ आई पर ये, ये त्रिविध लेबर एस्पिरेशन किस लिए हम आए हैं माता जी कहती है कि हमको भगवान क्यों चाहिए मुक्ति के लिए शक्ति के लिए मनुष्य की सहायता करने के लिए हमारा भी नाम योगियों में रजिस्टर होने के लिए कोई लिस्ट अगर है साधक कहलाने के लिए भी बड़ा ईगो होता है ना ये संसार को छोड़ के चले आए संसार को ऐसे नहीं छूटता यहां पे माँ ने ऐसा अरेंजमेंट रखा है कि संसार पकड़ेगा आपको संसार ऐसे बाहर से छोड़ के नहीं छूटता है तो अभिप्सा माँ कहती वेन यू वांट द डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन वो ऐसा होना चाहिए कि सब चीजें हैं आप जीवन में वी आर रिसीविंग दिफ्ट ऑफ ग्रेस पर कल को अगर सब चला जाए तो हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी या भगवान कभी हमसे पूछ ले देख मैंने तुझे बहुत सारी चीज दी कल एक झटके में सब लेने वाला हूं आप तो रहोगे ना हाँ हाँ मैं रहूंगा ये इसीलिए ले रहा हूं ताकि स्पॉट हो मैं हाँ प्रभु ये बिल्कुल आनंद ये तो मैं कब से सोच रहा हूं कि चली जाए ये दुनिया का मेला चमेला चा, चला जाए तो बहुत अच्छा है तो चीजें जो है उनको प्रसाद रूप में स्वीकार करना है और लेकिन मूल है प्रसाद और जिनका प्रसाद है इसमें समझ भेद पता होना चाहिए प्रसाद भगवान का होता है पर भगवान तो भगवान होते हैं सब चीजें प्रसाद रूप में ग्रहण करना है तो ये ए, ए, एस्पिरेशन डिवाइन फॉर द सेक ऑफ डिवाइन ये एकदम तैयारी है पक्की कई बार ये होता है कारण हमारे चाचा मामा ताऊ वहां पर हैं आश्रम में तो हम भी चलते हैं ये तो एक रिलेटिव रिलेटिव का ये भी होता है बाहर से अंदर में अपनी गति होती है लेकिन बाहर से कई गतियाँ हो सकती हैं फिर एक होता है दूसरा है त्याग क्या त्याग करना है हमको मीट मच्छी खाना बंद कर दें प्लीज़ वो लास्ट की बात वो अपने आप छूट जाएगा इन चीज़ों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है तो हम एकदम केवल ग्रीन्स खाएंगे तो भाई माता जी आश्रम में दूध देती हैं ऐसे वेगन मत बनो रिजिड होकर के दूध आश्रम में मिलता है तो हम क्या त्याग करें तो शिक्षित ध्वज की जो कहानी है वही आती है त्याग करो अहंकार का त्याग करो कामनाओं का अब कामनाएं का बड़े अद्भुत रूप लेती हैं कामनाओं का त्याग डिजायर सोल हम अपने लिए नहीं माता जी के लिए ऐसे से भी होता है कि हम झूठ आज किसी ने पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया मेल पर कि शेरविंद ने कहा है कि झूठ बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं तो कभी कभी बोल देती हूँ झूठ क्योंकि इससे किसी का भला हो जाए कहा कि को किसने कहा कि भला होगा झूठ बोलने से दोनों के बीच हारमोनी हो जाए हारमोनी इतने ऐसे बहुत ही कितने बार आप बोलोगे आप एक बार बोलोगे दो बार बोलोगे अल्टीमेटली यहाँ पर डिवाइन मदर का कुछ ऐसा वो है कि वो निकल ही आता है आप कितना बोलोगे एक लिमिट के बियॉन्ड यही कह देना चाहिए सिखाती हैं अब ये तो बड़ी बड़ी चीज़ पर लोग छोटी छोटी चीज़ों में हर चीज़ों में तो ये वृत्तियों का जो वृत्तियाँ हमें भगवान से दूर रखती हैं डिज़ायर्स वो कैसे कैसे रूप अब ये तो एक झूठ बोलने की बात हुई ये तो एक अलग चीज़ हो गई लेकिन डिज़ायर्स कैसे रूप लेती हैं कि हम तो इसलिए क्योंकि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं किसी के साथ ये कर रहे हैं ये हमारे अंदर ये ये चीज़ नहीं आनी चाहिए पता होना चाहिए कि डिज़ायर का एक सूक्ष्म खेल है ठीक है इट इज़ बेटर टू हेल्प दैन टू बी सेल्फिश अब कुछ लोग इसका दूसरा ले लेते हैं रूप किसी ने पूछा कि क्या हमको मनुष्यों की है मैं मेरे मन में इच्छा है कि मैं मनुष्यों की हेल्प करना चाहता हूँ ये एक नया नया कोई बच्चा आया था डॉक्टर आई थी बेचारी अभी अभी उड़ीसा एम बी करके आई तो उसने किसी से पूछ लिया किसी ने पूछा क्या करना चाहती उसने कहा कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती ना nah, ये सब अहंकार है तुमको अब ये तो मतलब किसी की स्टेज का है तो अब क्या होता है कि कई बार हम चीज़ों को सच को गलत ढंग से पकड़ने से ज़्यादा नुकसान होता है इस संसार में हम पशुओं की सेवा के लिए नहीं आए हैं हम तो भगवान की सेवा के लिए आए कर क्या रहे हो आप ना भगवान की सेवा कर रहे हो ना अरे पशुओं की सेवा की बात नहीं है आपके अंदर एक प्रेम है जो पशुओं में जाता है ये बात ही नहीं कि कोई एक होता है मेंटल रोल कि हम रोज आकर के चावल खिलाएंगे बात इसकी नहीं है पर वो एक प्रेम है जो ये जब हम लोग एटीट्यूड ले लेते हैं तो कई बार स्वार्थ में चले जाते हैं और हमको लगता है कि हम साधना कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ये बड़ी सूक्ष्म चीज़ें हैं डिज़ायर अब कई बार लोग ये सब क्यों करते हैं क्योंकि उनको लगता है अपना जीवन कंफर्टेबल रहे हम कंफर्ट जोन में हैं क्योंकि अगर आप किसी की भी सहायता करते हैं तो आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि सहायता मत करो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अहंकार में मैं सहायता कर रहा हूँ मैं दान दे रहा हूँ मैं लोगों को ये करता हूँ ये भाव मत रखो परंतु सिंपैथी कंपैशन लव काइंडनेस ये तो चैत्य भाव है इसको कभी मना नहीं किया गया तो ये बड़ी सूक्ष्म भूमि पर ये डिज़ायर्स रूप लेते हैं काम क्रोध क्रोध में भी लोग करते हैं हम क्या करें उसने ऐसी बात बोल दी तो हमने उसको डांट दिया चिल्ला दिए बहुत से जस्टिफिकेशन भय कोरोना है क्या माता जी ने ऐसा कहा है कि तुमको आ, मतलब वो तो चीज है और माँ को कोट करेंगे वैक्सीनेशन दिया गया था हाथ धोना सब ऑल नॉनसेंसिकल थिंग्स फोटोग्राफ सिक्सटीज में माता जी ने वैक्सीन उसके पीछे का कोई इतिहास नहीं बताएंगे और माता जी क्या बोले सबको लोगों को उनमें विश्वास नहीं है इसमें विश्वास है तो या गवर्नमेंट का अगर इम्पोजिशन है वो एक अलग बात है स्वीकार करो उस चीज़ को तो इस तरह से माइंड बहुत जस्टिफाई करता है भय को जस्टिफाई करता है काम को जस्टिफाई करता है क्रोध को जस्टिफाई करता है सब चीज़ों को सबसे बड़ा इसमें दोष जो है भय माने का है दैट इज द बिगेस्ट इंप्योरिटी विच हैज टू बी रिजेक्टेड फ्रॉम नेचर तो इस प्रकार से डिजायर से सेल्फ को धीरे धीरे हम और उसमें एक सबसे बड़ी जो गांठ होती है कर्म में डिज़ायर क्योंकि डिज़ायर अगर पूरी करनी है तो आप कुछ प्रवृत्ति करेंगे चेष्टा करेंगे इसलिए माँ कहती है निष्काम भाव से कर्म वो गीता की भी टीचिंग इट इज़ द बेस्ट वे टू कट द नॉट ऑफ डिज़ायर एंड ईगो निष्काम कर्म उसमें कोई हमको अप्रिशिएट करेगा नहीं करेगा ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है निष्काम भाव से कर्म किसी तरह का ना बाहरी रिवार्ड ना इनर रिवार्ड बाहरी रिवार्ड होता है कि अच्छा है इसके बाद ये गद्दी मुझे मिलेगी बाहरी रिवार्ड है सब जगह होता है और एक इनर रिवार्ड से इन रिवार्ड्स आपके अपने कोई अप्रिशिएट करेगा आपका फेमस हो गए ये हो गए ये सब इन रिवार्ड है तो इन सब चीजों से हमको दूर है निष्काम कर्म एक बेसिक स्टेप है साधना का तो निष्काम कर्म, कर्म करना है ये हो गया त्याग और तीसरी चीज है समर्पण पहला केंद्रीय समर्पण कि मैं आपसे माँ का हूँ मेरी नियति माँ के हाथ में है ये स्थान स्थान पर टेस्ट होगा सच में तुमने अपनी नियति को मां को सौंपा है जीवन में कुछ ऐसा घट जाएगा जो आप नहीं चाहते थे उस समय आपकी समर्पण की परीक्षा होगी भगवान नहीं लेगा लेकिन विश्व विश्वशक्तियां समर्पण के साथ सिंसेरिटी जुड़ी हुई है दोनों बिना सिंसेरिटी के समर्पण नहीं होता ये कहने की चीज नहीं ये डेवलप करने की चीज है समर्पण से प्रारंभ होता है सेंट्रल समर्पण डिटेल्ड समर्पण के द्वारा योग परिपूर्ण होता है एस्पिरेशन रिजेक्शन सरेंडर चार चतुर्विद तपस्या और चतुर्विद एड इस योग की जो चार एड्स हैं श्री अरविंद उसको बता चुके हैं और वो चार एड्स हैं गुरु डिवाइन मदर इस योग में हैं वो गुरु नहीं है सब कुछ हैं गुरु से कहीं ऊपर है गुरु से संबंध उनसे स्थापित करना उनको बहुत नीचे ले आना है शी इज द डिवाइन मदर हर तरह से हम उनसे जुड़ हमें उनसे जुड़ना है दूसरा शिष्य का उत्साह ऐसे मैकेनिकली आदमी कितना भी काम करता रह रहे जब शेरविन से किसी ने पूछा सुना कि आपके पास जो लोग हैं पहले वो सुपरमेंटलाइज होंगे शेरविन ने कहा हाँ फिर तो मेरे टेबल पर पड़ा हुआ जो स्टैम्प पैड है वो सुपरमेंटलाइज हो जाएगा सबसे पहले कहने का उनका तरीका था तो उत्साह एंथूजिया बरकरार रहना बहुत मुश्किल होता है शुरू में सब आते हैं उत्साह के साथ धीरे धीरे लोगों को देख के क्रिटिसाइज करके इसी में पूरा दिन वही पुराना जीवन शुरू हो जाता है सास बहू का झगड़ा मोहल्ला यहाँ सास बहू नहीं है साधक साधक का झगड़ा मोहल्ला मोहल्ले का झगड़ा ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट इसी में पूरा दिमाग खपत हो जाता है उत्साह बनाए रखना नहीं उत्साह मतलब ऑलवेज टू स्ट्राइव टुवर्ड्स परफेक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड तो ये चतुर, चतुर्तुर्विदेट सेकेंड तीसरा शेयरविंद बताते हैं कि शास्त्र शास्त्र यानी जो रिवील्ड वर्ड है पढ़ना उस पर उस पर मनन करना उसको जीने की चेष्टा करना सब कुछ है एक बार माँ डांट करके कहती है तुम लोग पढ़ते नहीं हो शेरविंद ने क्या लिखा है माता जी सुपरमेंटल वर्ल्ड कैसे फॉर्म होगा तुमने पढ़ा नहीं है शेरविंद ने लिखा है वेदों में लिखा है और तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है डिवाइन विल के प्रेशर से फॉर्म होगा

ये मैकडोनल्ड का योग नहीं है ये तो जन्मों की चीज है कितने दिन लगेंगे कितने साल लगेंगे इट्स वेन द डिवाइन वांट्स बट हमारे अंदर होना चाहिए कांस्टेंट एस्पिरेशन ये हो गई चतुर्विदेड और चतुर्विद तपस्या तो इसमें चैत्य के अंदर हृदय के अंदर फीलिंग्स सबसे कठिन तपस्या माँ कहती हैं इज द तपस्या ऑफ लव सबसे कठिन है लेकिन ये अंतिम क्राउन है तो चैत्य निकले और चैत्य के भाव हमारे हृदय के अंदर जगे और उसका तरीका माने बताया किसी के भी साथ संबंध जोड़ो सेल्फलेस, केवल देने का भाव और गुडविल और ग्रैटिट्यूड यही बस पांच चीजें माने बताई सेल्फलेस अनिगोइस्टिक देने का भाव ग्रैटिट्यूड गुडविल बस ये, ये चीजें पांच ही चीज नहीं लानी है मुझे क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो माँ हमको कौन प्यार करेगा मैं करूँगी ना फॉर योर सेल्फ टर्न टूवर्ड्स द डिवाइन मदर दूसरा से अपेक्षा नहीं विदाउट एक्सपेक्टेशन विदाउट एज्यूमिंग अच्छा हम तो इसको प्यार कर रहे थे जी इतना खराब आदमी निकला नहीं 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 माँ कहती नहीं देट इज़ नॉट द वे टू लव पता चले तो इतना खराब आदमी है इसको हम प्यार कर रहे थे जाओ कल से तुम कट ऑफ दैट इज नॉट द वे टू लव तो माँ ये बताती है फीलिंग्स माइंड नॉलेज की तपस्या स्पीच की मास्टरी हम क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं किसी व्यक्ति के लिए अंडरस्टैंडिंग को विशाल बनाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यूरो में कुछ हम बोलते हैं कई बार साइलेंस रहना अच्छा रहता है या बोले तो उतना बोलें जो पर्याप्त है ये नहीं कि हम आगे से एकदम सीरियस होकर मुंह बंद करके बैठेंगे ये नहीं कहा जा रहा है पर कम से कम कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलेंगे जो किसी को हार्म करे कोई ऐसी चीज़ नहीं सोचेंगे अपने अंदर में जो इलविल है बाहर से अच्छा लेकिन अंदर में इस व्यक्ति के साथ ये नहीं करना चाहिए तो डेंजरस चीज़ है स्पिरिचुअल सुसाइड शब्दों पर कंट्रोल किसी प्रकार की कोई एब्यूजिवनेस ऐसी भाषा जो आ, जो बड़ी मतलब संसार में डिवीज़न पैदा करती है हेटरेट पैदा करती है इलविल पैदा करती है हमेशा भाषा को एक सुंदर चीज़ों को मुखरित करने के लिए माइंड की तपस्या तीसरा तपस्या पावर तो उसमें माँ कहती है तीन तरह से लोग एनर्जी ड्रा ड्रॉ करते हैं नीचे से भोजन दूसरा चारों तरफ से वाइटल इंटरचेंज वाइटल इंटरचेंज में हमको सचेत रहना है क्योंकि हम जब किसी साथ बड़ा क्लोज इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत कुछ हम में से उसमें जाता है और उसमें से हमें हम आता है विशेषकर बहुत ही क्लोज़ इंटीमेट फिजिकल इंटरचेंज से और तीसरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तो एस्पिरेशन के द्वारा हम ऊपर से एनर्जी को तो एस्पिरेशन का यही होता है एक बार खुल जाता है तो वो चीज़ें कॉन्स्टेंटली आती रहती हैं क्लेंस करती रहती हैं पर वाइटल इंटरचेंज पार्टी धूम धड़ाका ये सब मेल नहीं खाते हैं क्राउड्स मार्केट जो जरूरी है वो करना है काम के लिए जितना जरूरी है वो ठीक है लेकिन ये नहीं कि कुछ लोगों को यही जीवनचर्या है यही जीवन शैली है वो चीज़ हमको उस उसका इसके साथ मेल नहीं खाता है और चौथा तपस्या और ब्यूटी और तपस्या और ब्यूटी है शरीर के लिए एक सुंदर फॉर्म गुड पोस्चर एक्सरसाइज <laughs> ताकि और कर्म वर्क काम काम और रेस्ट के बीच बैलेंस एक्सरसाइज स्लीप फूड ये सब शरीर की तपस्या में जाता है जिससे शरीर सुंदर बनता है हारमोनियस बनता है सबल बनता है सामंजस्यपूर्ण बनता है तो ये चतुर्विद तपस्या है चतुर्विद एड है और पांचवा, पांचवा यही है कि इस योग की कई सारी सोपान हैं एक से एक से एक सीढ़ी से हम लोग चढ़ते जाते हैं वो सीढ़ियाँ अपने आप खुलती जाती हैं जैसे जैसे हम लोग आगे चढ़ते हैं छठी सोपान है चेतना जो इस योग का मुख्य चीज है पांचवीं सौपान हम लोग ये कह सकते हैं कि आनंद योग चेयरफुल स्टेट में किया जाता है योग बड़े भारीपन लेके अब क्या करें हम तो साधक हैं हम ये नहीं चु... ऐसे नहीं किया था ग्लैड भगवान बड़े सीरियस देखेंगे हमको तो कहेंगे भाई तुम संसार में जाओ थोड़ा एन्जॉय कर लो योगा इज नॉट डन विद ए सीरियस योगा इज डन विद ए ग्लैड एंड नॉट ए डिस्पॉन्डेड हार्ट गीता कहती है छठा मुख्य कुंजी इसकी है कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना ये हमको आना चाहिए इस योग की और सातवां सातवां तो सूर्य की जैसे सात रश्मियां हैं ये सातवां अब हम लोग योग की एक अंतरंग गहराई में जा रहे हैं कि जब खुलता है माइंड हार्ट देह प्राण तो अन्य प्र, कई प्रकार की शक्तियाँ कई प्रकार की ऊर्जाएं हमारे अंदर ऊपर से प्रवेश करती हैं तो केवल मन नहीं मन के परे खुलना तो द डिवाइन ये सात प्लेन्स हैं उसकी बात होती है हर प्लेन पर।, पर पर अगर हमको इसको अपने लेवल पे मॉडिफाई करना है तो हम इसे कह सकते हैं कि फीलिंग्स सेंसेशंस बॉडी माइंड हार्ट इनमोस्ट हार्ट चैत्य एंड स्पिरिचुअल इन सब लेवल्स पर हमको भगवान की ओर खुलना है आठवां ए एट इज़ द साइन ऑफ प्रोटेक्शन तो योग में बहुत सारी कठिनाई आती हैं बाधाएं आती हैं ये केक वॉक नहीं है और क्यों हो इतनी उच्चतम चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं के लिए प्रयासरत हैं तो तो होगा उठना गिरना लेकिन डबल प्रोटेक्शन डिवाइन मदर का प्रोटेक्शन और हमारे कर्म से ऐसे हों जिससे हम बार बार उनके प्रोटेक्शन से बाहर नहीं आए एट को माताजी ने बताया डबल प्रोटेक्शन तब एक तो डिवाइन का प्रोटेक्शन है पर हम लोग के भी कुछ ऐसे नहीं कि हम कुछ भी करेंगे और भगवान के प्रोटेक्शन से बाहर जाएंगे नाइन इज द सिंबल ऑफ मेटीरियल परफेक्शन तो जड़ वस्तुओं के साथ हमारा कैसा संबंध है अंत में इसको परफेक्शन को भौतिक जीवन में उतारना है तो हमारा जड़ वस्तुओं के साथ संबंध ऐसा होना चाहिए कि इनमें भी चेतना है और इसमें भी भगवान का वास है दस योग की परिपूर्णता है एक और शून्य शून्य से प्रारंभ हुआ था जब उस शून्य में एक लग गया तो परफेक्शन आ गया और ग्यारह क्या है ग्यारह है जब एक और एक जब मनुष्य भगवान जुड़ गया हर लेवल पर जुड़ गया तो एक सेकेंड लेवल का परफेक्शन आ गया और बारह डिवाइन मदर का नंबर है तो इस प्रकार जब पूरी तरह हमारा जीवन माँ में रंग जाता है माँ से ओतप्रोत हो जाता है तो वो बारह तो ये योग की कुछ बिंदु हैं अति विशाल योग है लेकिन फिलहाल इतना ही नमस्ते